हाजीपुर पहुंचते ही अलका लामा ने सुबह सुबह तहलका मचा दिया। फिर जो हुआ उड़ गए सभी के होश। जी हाँ, आपको चले कि कांग्रेस के खूबसूरत और राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लामा इन दिनों हाजीपुर दौरे पर है। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत एयरपोर्ट पर किया। इस दौरान अलका लामा ने कहा कि मैं पूरे देश में घूमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के रिश्तों का पर्दाफाश करूंगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर जेल भेजने की कोशिश कर रही है और अब तो राहुल गांधी का बंगला खाली करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार राहुल गांधी को सड़क पर लाने की तैयारी में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राहुल गांधी ने सिर्फ सवाल किया तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई। इसके बाद उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि देश के बैंकों के अरबों रुपए डूब रहे हैं, इसको लेकर अडानी पर कार्रवाई कब की जाएगी, इसकी जाँच कब होगी, देश का करोड़ों रुपया जो देश के गरीब मजदूरों को मिलना चाहिए था और बेरोजगारों के लिए एक फैक्ट्री खुलनी चाहिए थी और किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय सीधे सारे पैसे अडानी के जेब में जा रहे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए पता चले कि फिलहाल इन दिनों कांग्रेस की खूबसूरत और राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लामा हाजीपुर दौरे पर है, जहां पर वो लगातार केंद्र सरकार पर हमला करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ टेक से हर्षराज की रिपोर्ट।